सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। तो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, आज जैसे कि हम आपको बताने वाले एमएससी रेडियोलॉजी सिलेबस के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स थे हमारे चैनल पे कि एमएससी रेडियोलॉजी का सिलेबस बताइए सर, सिलेबस क्या होता है, अगर हम बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं रेडियोलॉजी से तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने पूरा देखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल पर नेचर को सब्सक्राइब करके जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एमएससी रेडियोलॉजी सिलेबस के बारे में बताएंगे, देन उसके बाद सेमेस्टर्स कितने होते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, एंड इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, और इसके साथ साथ कितने क्रेडिट्स आपको लेके आने हैं और कितने मार्क्स का होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग के सामने यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एमएससी रेडियोलॉजी का जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे ओपन कर लिया है आप लोगों के सामने। अब टोटली यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ड्यूरेशन आपको बता दूं, यहाँ पे ड्यूरेशन जो आपका होता है वो होता है 2 ईयर्स का। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ईयर्स का कोर्स होता है मास्टर्स का। एमएससी का मतलब ये होता है मास्टर ऑफ साइंस इन रेडियो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस है, ये जो हमारा बैच था अभी 2021 के टाइम, उस टाइम का था। यूनिवर्सिटी के जो होता है ना, वो सेम सिलेबस ही चलाती है, कभी सालों माल के बाद जाके चेंजेस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सिलेबस दिखाना चाहा कि चलो दिखा देता हूँ। और जो पास होने का टोटल क्रेडिट्स होता है यहाँ पे 24 होता है, 24 क्रेडिट्स। वो भी कैसे होता है, चलो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने सेमेस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर ये हुआ, देन सेकेंड का सिलेबस ये रहा, एंड थर्ड का ये रहा आपके सामने, देन फोर्थ में बहुत कम है तो आप समझ नहीं पाओगे अभी, तो मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो वन बाई वन एक्सप्लेन करते चलेंगे आपके सामने। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर पे आते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर पे ये मैं बता दूं, ये सिलेबस किस यूनिवर्सिटी का, सबसे पहले ये जो सिलेबस है वो है एमआरएसपीटीयू। यहाँ पे देख रहे हो एमआरएसपीटीयू दिया हुआ है, तो एमआरएसपीटीयू का मतलब हुआ यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हमारा कॉलेज था, जिस कॉलेज से मैंने बीएससी किया और अब मैं वहां से एमएससी कर रहा हूँ। इन रेडियोलॉजी में क्या सिलेबस है ये आपके सामने है, तो वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो आप, सेमेस्टर फर्स्ट है। सेमेस्टर फर्स्ट में क्या यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, एक चीज़ है सब्जेक्ट कोड, ये आपके एग्जाम में काम आता है। यहाँ पे इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, आपके एग्जाम फॉर्म में भरा जाता है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, आप देख रहे हो। देन यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट आवर्स दिया हुआ है, आवर कितने आवर्स का पेपर होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया है। तो 3 आवर का पेपर होता है यहाँ पे, आप देख रहे हो। और जो इंटरनल मार्क्स होता है वो 40 होता है, ये कॉलेज की तरफ से तय किया जाता है। एक्सटर्नल होता है 60 मार्क्स जो कि यूनिवर्सिटी का होता है, और यहाँ पे आपको 100 मार्क्स टोटल होता है, यानी कि 60 यूनिवर्सिटी का 40 कॉलेज का, देन 100 मार्क्स हो जाता है। इसके बाद क्रेडिट 4 लाने, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क जो चाहिए 25 नंबर चाहिए, जो कि आप आसानी कर सकते हो, यानी कि आप 10 नंबर आपको कॉलेज से लेके आना इंटरनल में, और 15 नंबर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से लेके आना होता है। आपको 15 नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए, और ये होता है आपका क्रेडिट्स। तो सब्जेक्ट्स की बात ले लेते हैं सबसे पहले। तो सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आता है सबसे पहले एडवांस टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ MRI, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है दोस्तों, आपका ये आता है एडवांस टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ MRI। सेकेंड आता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक्स, ये टेक्निक्स जो होती है वो रेडियोग्राफर के लिए एडवांस तरीके में यूज़ की जाती है। ये सारी टेक्निक्स आपका ये यहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक, ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही आता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ पेशेंट और पेशेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, पेशेंट का कैसे केयर करते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, ये है। देन है क्वालिटी कंट्रोल एंड रेडिएशन सेफ्टी, QC and RS, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल के बारे में और रेडिएशन सेफ्टी के बारे में यहाँ बताया जाएगा। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्निक, न्यूक्लियर मेडिसिन में कैसे हम इमेजिंग करते हैं, उसके सारे टेक्निक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। एडवांस टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ MRI, ये आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि यहाँ की 4 थ्योरी सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपका 2 प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट इसका MRI जो आपका है, उसके बाद दूसरा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो ये था टोटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रैक्टिकल हुए, 4 सब्जेक्ट हैं। अब हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, चलिए सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको समझा देता हूँ। क्रेडिट्स वगैरह सारा कुछ सेम है, फटाफट आपको यहाँ पे सिलेबस बता देता हूँ। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही आता है, आपका सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, और 6 मंथ का
बाद एग्जाम होता है, यानी कि जून और दिसंबर में आपका एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा फिजिक्स रिलेवेंट टू रेडियोलॉजी। आपको फिजिक्स रिलेवेंट टू रेडियोलॉजी पढ़ना होगा, बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ने होंगे। लॉजिक गेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जो फिजिक्स के अंदर आता है। ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रेडियोलॉजी, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनके बारे में पढ़ना है। एंड साथ में मेडिकल इलीगल इशू इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, यानी कि जो इलीगल इशू आते हैं कि आपने कुछ गलत किया उसके बारे में क्या रूल्स है वो पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल, तो दो प्रैक्टिकल यहाँ पे भी, यानी कि चार सब्जेक्ट हैं, दो प्रैक्टिकल आ जाते हैं, फिजिक्स रिलेवेंट टू रेडियोलॉजी साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ऑफ रेडियोलॉजी। तो दो प्रैक्टिकल चार सब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट। देन आपको आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना होगा यहाँ पे। तो थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है सबसे पहले पढ़ना होगा वो होगा रेडिएशन बायोलॉजी। बायोलॉजी रेडिएशन से रिलेटेड बायोलॉजी के बारे में, जैसे कि बायोलॉजी कहते हैं आपके बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो रेडिएशन बायोलॉजी के बारे में पढ़ना, उसके मैकेनिज्म को पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। साथ में प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन के क्या प्रिंसिपल ये पढ़ाए जाएंगे। एडवांस टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। अब बहुत लोग कहेंगे सर अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं लेकिन हम कर नहीं सकते तो क्यों पढ़े, तो ये आपको जानना जरूरी होता है दोस्तों, आपके सिलेबस में होता है इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है। देन एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ना है। कंप्यूटेड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कंप्यूटर इंस्ट्रूमेशन, जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सारा कुछ तो डिजिटल होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। अब आपका आ गया प्रैक्टिकल, तो दो प्रैक्टिकल यहाँ पे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन का एक प्रैक्टिकल हो गया, दूसरा प्रैक्टिकल हो गया एक्सरे प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे इतने सारे प्रैक्टिकल्स आपके हो गए, यानी कि दो प्रैक्टिकल हो गए। अब चलिए लास्ट सेमेस्टर, ये आपका थर्ड सेमेस्टर होगा जो कि आपके लास्ट ईयर में कह सकते हो, सेकेंड ईयर में कह सकते हो, क्योंकि दो साल का ही होता है मास्टर। तो चौथा जो सेमेस्टर है, चौथा लास्ट सेमेस्टर, अब यहाँ पे आप कहोगे सर सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी आपका MRSPTU जो यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कह सकते हो 18 महीने में आपका मास्टर्स कंप्लीट करा देगी। बट जो लीगल रूप से चार सेमेस्टर लगते हैं, दो साल लगते हैं, वहाँ पे क्या होता है लास्ट जो फोर्थ सेमेस्टर होता है वहाँ पे थीसिस एंड इंटर्नशिप, आपका इंटर्नशिप जो होता है, जो आप पढ़े रहोगे उसका इंटर्नशिप कराया जाता है, और साथ में मास्टर्स स्टूडेंट एक थीसिस लिखते हैं, एक प्रॉपर असाइनमेंट कह सकते हो उसको एक तरीके से, वो इंटर्नशिप के अंदर रिटर्न किया जाता है, और सिर्फ वही लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये चीज़ था आपका यहाँ पे चार सेमेस्टर, यानी कि MSc रेडियोलॉजी का सिलेबस इतना सारा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ सकते हो, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से WhatsApp से आप ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे मांग सकते हो। देन आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा और यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया वन बाय वन, पूरा क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट्स तो मैंने बता दिए, बाकी देन टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ।